want implementation of our we want justice we want justice hamari mange puri karo we want justice hamari mange puri karo hamari mange puri karo we want implementation of court order implementation of court order court order we want 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 justice कि क्या मसला है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आज जनाब हम कॉलेज कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं। हमारा जो मसला है वो सब जुडिशियस है और कोर्ट ने इनको हुक्म दिया था कि इनका स्टेटस को मेंटेन रखो, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो अरबाब इक्तदार हैं, चाहे वो कमिश्नर साहब हैं हायर एजुकेशन के, चाहे डायरेक्टर साहब हैं या हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये लोग ग्राउंड पर वो दावे करते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे। हाल ही में डायरेक्टर साहब ने ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में एफिडेविट लिखा दिया है कि हम लोग इनका स्टेटस को जो है वो मेंटेन करेंगे, हम इनके साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर बदकिस्मती की वजह से हमें आज बाहर सड़क पर आना पड़ा क्योंकि प्रिंसिपल साहब हमारा स्टेटस को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो डायरेक्टर साहब का ऑर्डर मानने के लिए तैयार है। ये सरासर वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट है सर, जो है वो आज वायलेशन कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर के, जो कश्मीर डिवीजन के जितने भी प्रिंसिपल साहिबान है वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन वर्बली यानी कोई रिटन ऑर्डर हमें नहीं दे रहे हैं कि आप डिसंगेज हो। वो हमारे बदले आज गेस्ट फैकल्टीज ला रहे हैं, यानी हमारी पोजीशन जो है उनको चेंज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कितनी वायलेशन हो रही है। आपके मीडियम से हम जो हमारे एलजी साहिब है, जो हमारे यहाँ पे एडवाइजर साहिब हैं या हमारे जो कमिश्नर साहिब है, उनसे अपील है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्यों वायलेट किया जाता है, हमें गौर करने दीजिए एज पर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, अदरवाइज हम सड़कों पे आएंगे, हमारा फ्यूचर बर्बाद मत करो, हम रोडों पे आएंगे और कल से मास एजिटेशन स्टार्ट होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट जो भी वैली है वहाँ पे मास एजिटेशन स्टार्ट होगा। हमारा मसला ये है कि जो कोर्ट ऑर्डर से उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आज आप एज गेस्ट फैकल्टी काम करो, ग्राउंड पे ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि हमें हम कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में आ जाते हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि हमें वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट किया गया है, हमें वर्बली ये डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको अगर आप काम करना है वो एज गेस्ट फैकल्टी काम करें, एक तरफ से ये एफिडेविट लिखते हैं कि एफिडेविट देते हैं यहाँ कोर्ट में सबमिट करते हैं एफिडेविट कि हम इनकी जो पोजीशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन जब हम कॉलेजेस में आ जाते हैं तो ये हमें कहते हैं कि अगर आपको काम करना है तो एज गेस्ट फैकल्टी काम करिए, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं उस ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं, उस हाई कोर्ट ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी स्टेटस हैं जो हम कोर्ट ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम कॉलेजेस में होते हैं बार बार, हम क्लासेस लेने लिए तैयार है, लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए कि आपको एज गेस्ट फैकल्टी काम करना है, तो दैट मीन्स हम आपके मीडियम से ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारा स्टेटस को है उसको मेंटेन कर दिया जाए ताकि हम परेशान नहीं हो जाएंगे और हम ये रोडों पर नहीं आ जाएंगे। इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे आज जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स है उनका प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट इस पे था कि अगर कोर्ट ऑर्डर्स बाजाबता है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, इसलिए कि जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स पहले से काम कर रहे थे बहुत सालों से, चाहे 10 साल से 20 साल से 8 साल से, और उन लोगों को किसी भी तरह से बाहर ना निकाला जाए, यानी कि जिस तरह से वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिस सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ना निकाला जाए। जब भी प्रोटेस्ट खत्म हुआ और उसके बाद हम अंदर जाने लगे कि जो यहाँ पे हायर अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनसे बात की जाए, हैरत की बात यह है कि पहले तो गेट पे आपको अंदर जाने के लिए इतना ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है कि जो गेट पे शख्स को रखा गया है इतना ख़तरनाक होता है कि शायद ही, मुझे तो ये लग रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस आज यहाँ पे देख के, कि स्टूडेंट्स को भी खतरा लग रहा होगा वो अंदर जाएँ, लेकिन जब हम किसी तरह से अंदर पहुँच रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ को मेनटेन किया हुआ है, बाज़ाब्ता ऑर्डर दिए जाते हैं जो वहाँ पर ऑफिस के बाहर लोग होते हैं कि किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए क्योंकि हमने बात नहीं करनी है, हालाँकि हम
लोग सिर्फ अंदर एक कोट लेने के लिए गए थे, इसलिए कि जो लेक्चरर्स बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए कोर्ट ऑर्डर्स हैं यहाँ पे अथॉरिटीज़ के लिए कि वो जो कोर्ट ने स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दिया था वो उसकी किसी भी तरह से जो उनको लग रहा है कि वो फिजिबल नहीं है उसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं और आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उसका बहाना ये बताया जा रहा है कि 4 बजे तक यहाँ पे मीटिंग होगी। अगरचे टीचर्स ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी स्टूडेंट अंदर नहीं है, तो फिर मीटिंग किस की चल रही है? दूसरी बात ये कि जो ये मीटिंग है, क्या ये मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई जा रही है बहाना करके कि कोई भी मीडिया पर्सन अंदर ना आ पाए और वो आपसे बात ना कर पाए और आप उनको जवाब ना दे? क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, क्या वो इतने ज़्यादा बुजदिल बन गए हैं कि वो आपकी बात ही ना सुने? अगर यहाँ पे टीचर्स जिनको अपॉइंट किया गया है बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की जानिब से, वो लोग अब अपने हक की बात कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि वो इनके लिए अब फीजिबल नहीं है या ये कि वो वर्थ भी नहीं है कि उनको यहाँ पे रखा जाए, लेकिन क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन पे जिम्मेवारी नहीं है कि वो इनको जवाब दे? इसलिए क्योंकि ये भी शायद गवर्नमेंट इदारा है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी शख्स इस पे कब्जा जमाए। और ये कि क्या ये ज़रूरी बात है कि आप लोग मीडिया को इसलिए अंदर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि साहब को तकलीफ हो रही है, उन्हें बात नहीं करनी है? और शायद इसको बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा रिज्ड क्यों है अगर जो उनके अंदर ये मामला चल रहा है। क्या वो चाहते हैं कि वो लोग कोर्ट के इस ऑर्डर के बीच ना आए? क्या वो चाहते हैं कि कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो उस ऑर्डर के खिलाफ वर्जी अपनी मनमानी से करें? क्या वो चाहते हैं कि उन पे कोई सवाल या निशान ना बने इसलिए वो किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं?